क्या इस समय बुलाया है? परंतु क्यों? वो तो हम भी नहीं जानते हुजूर, मगर फौरन बुलाया है। हमने आपको याद किया क्योंकि महामंगा का कहना है कि बहुत जल्द आप हरम की निगेबान बनने वाली हैं और हरम पर आपका हुक्म चलेगा। दरअसल हम भी हरम की जिम्मेदारी निभाते निभाते थक चुके, तो हमने सोचा कि ये जिम्मेदारी आपको सौंप। आज से बल्कि अभी से हरम की जिम्मेदारी आपकी हुई। ये क्या कह रही हैं आप रुकैया बेगम? वही जो आपने सुना, हम चाहते हैं कि आज से हरम की जिम्मेदारी आप संभालें। हमने महसूस किया है कि आप तेज दिमाग हैं, सियासत की माकूल समझ भी है आप में, और जलाल को भी अच्छे से संभाल लेती हैं। उन्हें मशवरा भी देने लगी हैं आजकल। जब इतना सब कुछ कर ही रही हैं, तो एक हरम संभालने में क्या जाता है आपका? आपको कोई भ्रम हुआ है? हरम के उत्तरदायित्व को संभालने की हमारी कोई मंशा नहीं है। आज्ञा दीजिए, शुभ रात्रि। रुकिए जोधा बेगम, आखिर इसमें इतना मुश्किल है ही क्या? शतरंज खेलने भी आती है आपको, दाव भी अच्छे से चला लेती है, हरम संभालने के कितना काफी है। ना तो हम हरम के लोगों को ठीक से जानते हैं, ना ही उनकी संस्कृति, उनकी आवश्यकता और समझ को पहचानते हैं। यदि हरम के उत्तरदायित्व को संभालने के लिए सबसे अधिक योग्य कोई है तो वो आप स्वयं है रुकैया बेगम। और तभी तो शहंशाह ने आपको इतना बड़ा उत्तरदायित्व सौंपा है। ये काम आपका है और हरम भी। इन दोनों में से किसी भी चीज को संभालने की हमारी कोई मंशा नहीं और हम इसके योग्य भी नहीं है। आपको ना कहने के लिए हम फिर से क्षमा चाहते हैं, परंतु आपके इस अनुग्रह को हम नहीं स्वीकार कर सकते। फिर से आज्ञा चाहेंगे। प्रणाम। जोधा माना, जो हुआ ठीक नहीं था और आपसे सहन नहीं हुआ, परंतु हमें लगता है कि रुकैया बेगम को रोककर आपने उनके अधिकार क्षेत्र की सीमा लांघी। जानते हैं मुझे, परंतु क्या करें, राजवंशी संस्कार को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। अन्याय चाहे जिसने भी किया हो, हम उसके विरुद्ध अपनी आवाज अवश्य उठाएंगे। बस रुकैया बेगम इस बात से क्रोधित ना हो जाए। हमें बस सब ठीक करें जोधा, परंतु हमें बहुत भय है। समझ नहीं आता रुकैया बेगम इस तरह क्यों पेश आती है। कई बार मामूली सी बात थी। हाँ अम्मी जान, लेकिन अब ये मामूली सी बात रुकैया बेगम की जिद बन गई। अरे जब दो लोग राजी हों तो पता नहीं वो क्यों उनकी शादी कहीं और कराना चाहती है। अगर जोधा बेगम और बाकी बेगमात को लगता है कि जलाल हमारे खिलाफ जाएंगे तो वो गलत है। जलाल कभी हमारे खिलाफ नहीं जा सकते। बस अब हमें जलाल के फैसले का इंतजार है, फिर हम जोधा बेगम को भी देख लेंगे। जलाल ने कुछ सोच समझ कर ही हमें हरम की जिम्मेदारी दी है। जोधा बेगम को हम छोड़ेंगे नहीं। होशियार, नूरे तख्त, शहंशाह हिंद, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। हरम के मामले में दखल नहीं देते हैं, लेकिन कुछ खास दरखास्त पर हमें यहां हाजिर होना पड़ा। हमने इस मामले की पूरी जानकारी हासिल की और हम उन दोनों कनीजों से मिलना चाहेंगे जिनके बीच झगड़ा हुआ, और उस लड़के से भी मिलना चाहेंगे जिसकी वजह से झगड़ा हुआ। उन्हें हमारे सामने पेश किया जाए। सबसे पहले शहंशाह को आप तीनों अपना नाम बताओ। मेरा नाम रुखसाना है हुजूर, मैं मजहर की बचपन की दोस्त हूँ। हमारा रिश्ता बचपन में ही तय हो गया था हुजूर। और मैं मजहर हूँ हुजूर। और मैं अजीजा। मजहर, हम तुमसे पूछना चाहेंगे कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। कोई भी फैसला लेने से पहले सोच समझ कर इस बात को ध्यान में रखना कि एक तरफ तुम्हारी बचपन की दोस्त है
जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है, और दूसरी तरफ वो औरत जो तुमसे मोहब्बत करने का दावा करती है। ये सच है हुजूर कि रुखसाना मेरी बचपन की दोस्त है और हम दोनों का रिश्ता हमारे वालिदैन ने किया था, पर हुजूर जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने पाया है कि मैं अजीजा से बेहद मोहब्बत करता हूँ और निकाह भी इसी से करना चाहता हूँ। गुस्ताखी मुआफ हुजूर, पर मैंने तो आज तक की पूरी जिंदगी सिर्फ मजहर के बारे में सोचते गुजारी है। हुजूर, किसी के बारे में सोचने से वो उसका तो नहीं हो जाता, मजहर हमसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन शहंशाह, मोहब्बत से बढ़कर है बचपन की दोस्ती, और वो हक जो रुखसाना का मजहर पे है। परंतु शहंशाह, विवाह एक भिन्न प्रकरण है और इसमें प्रेम का होना बहुत आवश्यक है। अजीजा और मजहर एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो फिर मजहर रुखसाना से विवाह कैसे कर सकता है? हम किसी के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। एक तरफ बचपन की दोस्त है, दूसरी तरफ मोहब्बत। और शरीयत के मुताबिक एक निकाह तभी मुमकिन होता है जब मियां बीबी दोनों का कबूल हो, और इसलिए हमारा फैसला है कि ये निकाह नहीं हो सकता। हम तुम तीनों को एक महीने की मोहलत देते हैं। एक महीने तक खूब इस मामले के बारे में सोचना, अपने दिल के अंदर झांकना, और नजर फिर तुम्हारा जब मन चाहे जिसके साथ चाहे निकाह कर लेना। हम महसूस कर पा रहे हैं कि हमारे फैसले से बहुत लोग नाखुश हैं। हालांकि हमारे फैसले पर किसी की बंदिश नहीं, लेकिन हम फिर भी जानना चाहेंगे कि आप सब बेगमों की हमारे फैसले पर क्या राय है। बेखौफ होकर कही। हुजूर, आपके फैसले पर हमें कोई शुभा नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि आज जो इन बांदियों के साथ हुआ है वो बार बार होता है। हालांकि हम रुकैया बेगम की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन ऐसी नाइंसाफियां वो बार बार करती हैं। बात सिर्फ बांदियों की नहीं, रुकैया बेगम हम सब बेगमात के साथ भी ढंग का बर्ताव नहीं करती हैं। आपके कायदे के अनुसार कोई भी बेगम दूसरी बेगम और उनकी बांदियों के साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकती। माफ कीजिएगा शहंशाह, पूरे हरम की जिम्मेदारी आपने बेगम खास बेगम रुकैया पर सौंपी है, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए सख्ती बरतना बहुत जरूरी होता है। वजीरे आलिया बजा फरमाती हैं, ये रुकैया बेगम की ही जिम्मेदारी है कि हरम में सब इंतजामात माकूल हों और किसी को कोई परेशानी ना हो। हुजूर, रुकैया बेगम का बर्ताव कई बार परेशानियों की वजह बन जाता है। वो बेगमात से ऐसे पेश आती है जैसे हम उनकी बांधियां हों। अब कहना क्या चाहते हैं? ये रुकैया बेगम को हरम की जिम्मेदारी देने का हमारा फैसला गलत था। हम जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन है जो हमारी जिम्मेदारी लेना चाहता है, किसमें इतनी ताब है। हम भी जानना चाहेंगे कि अगर रुकैया बेगम नहीं तो कौन है जो हरम की जिम्मेदारियां संभालेगा। क्या आप रुखसा, क्या आप हरम की जिम्मेदारियां संभालेंगी? नहीं शहंशाह, हमें हरम संभालने की ताब नहीं। और क्या आप हरम की जिम्मेदारियां संभालेंगी? या कोई है जो हरम की जिम्मेदारी संभालने को तैयार है? किसी पर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन खुद जिम्मेदारी का बीड़ा उठाना बहुत मुश्किल है। बताइए कौन है जो रुकैया बेगम की जगह हरम की जिम्मेदारी उठाने को तैयार है? हुजूर, जोधा बेगम। जी शहंशाह, वो काबिल है और रहम दिल भी, उन्हें इंसानी जज्बातों की समझ भी है। नहीं, हम क्षमा चाहते हैं, परंतु हरम के उत्तरदायित्व को उठाने के योग्य हम नहीं है। ना तो हमें हरम के नियम पता है और ना ही हमें हरम को संभालने का कोई अनुभव है। शहंशाह,
अगर सब हरम की जिम्मेदारी जोधा बेगम को सौंपना चाहते हैं, तो हमें इससे कोई एतराज नहीं। नहीं रुकिया बेगम, हम आपको पहले भी कह चुके हैं कि हरम के उत्तरदायित्व को संभालने के लिए सबसे अधिक योग्य आप ही हैं। ठीक है, हम कल तक का सबको वक्त देते हैं। कल तक आप सब लोग फैसला कर लें और बताएं हमें कि हरम की जिम्मेदारी कौन संभाले। लेकिन अगर कल तक कोई फैसला नहीं होता है तो हम नहीं चाहेंगे कि रुकैया बेगम के खिलाफ हमें कोई शिकायत मिले।